हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो होमवर्क दिया था उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। और हम चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने कर लिया है, आप लोगों को मैंने दिया था, इसके एग्जांपल्स दिए थे, ये उम्मीद करता हूँ ये सब आपने कर लिया है, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो इसको करो, क्योंकि अगर बिना इसके किए हम टॉपिक कंसेप्ट आगे का समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एंड 2 ये मैंने दे दिया आपको, ठीक है। आज हम नया टॉपिक करेंगे ये वाला, ठीक है। अच्छे से देखो इस टॉपिक को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है। और पार्टनरशिप में हमें पता है पार्टनरशिप होती है, सारे पार्टनर्स मिल के काम करते हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पार्टनरों में बांटा जाता है, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है उनको, तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो हमें यानी कि फर्म को देना ही देना है। ये एक, जैसे मान लीजिए, ये एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो हर हालत में फॉर्म को पे करना पड़ेगा, चाहे फॉर्म को लॉस हो। अब जैसे मान लीजिए फॉर्म को 20,000 का प्रॉफिट होता है और फॉर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, दोनों ने पैसे लगाए हुए हैं, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फॉर्म को प्रॉफिट हो। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने लोन दे रखा है फॉर्म को, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो बिज़नेस को प्रॉफिट हो या ना हो, उनको लोन का के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको हर हालत में देना है, इसलिए इसको बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखिए इसमें ध्यान से कह रहा है, पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये देखो मैं दिखाता हूँ इसको हाईलाइट करके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म। ये क्या है बेटा, ये एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, एक्सपेंस है। एंड पेड वेदर द फॉर्म ऑन सब प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला है कि फॉर्म को पे करना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट हो तब भी और लॉस हो तब भी, तो हर हालत में इनको देना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो अप्रोप्रिएशन है, देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन जो है ऑफ प्रॉफिट मीन्स दे आर अलाउड इफ़ द फॉर्म ऑन सब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो, फॉर्म ऑन सा प्रॉफिट ड्यूरिंग, अगर फॉर्म ने प्रॉफिट ऑन किया है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि फॉर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ किसी साल, और क्यों, हमें पता है कि पार्टनरों ने कैपिटल लगाया हुआ है, उसके बाद भी उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो ये यही है इसमें। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तीन चीज़ें जो हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। एक बार फिर से देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट पेबल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 1, 2 एंड 3। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आती हैं, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इसके अलावा जो भी हैं अदर थिंग्स जो होती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सैलरी पार्टनरों को मिलती है, कमीशन पार्टनरों को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को मिलता है, और हम रिजर्व्स एंड अप्रोप्रिएशंस भी पार्टनर को देते हैं। तो ये अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन मतलब आप समझ गए होंगे, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, ओके? और ये भी डीड में अगर लिखा होगा तब, जैसे मान लीजिए डीड में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, और गलती से बिजनेस को लॉस हो गया तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप इसमें ये सोचेंगे कि नहीं, डीड में तो कहा है कि मिलेगा, लेकिन बिजनेस को तो प्रॉफिट हुआ नहीं, यानी फॉर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फॉर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्योंकि ये अप्रोप्रिएशंस हैं तो इसीलिए नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना 1, 2 एंड 3, ध्यान से देखो ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल एंड मैनेजर्स कमीशन, दिख गया? ये जो है ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये तो हर हालत में आपको देना ही देना है, अंडरस्टूड? लेकिन जो नीचे अप्रोप्रिएशंस हैं, ये वाले, ये जो नीचे सर्कल किया मैंने, ये देखिए ये, ठीक है, ये रिजर्व, ये जो है जब तक प्रॉफिट नहीं होगा नहीं मिलेगा, एज क्लियर एज दैट, अंडरस्टूड? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे, हालांकि हमने डिस्कस कर लिया, आप जल्दी जल्दी इसमें देख लो डिफरेंस। देखो सबसे पहले बेसिस है इसका नेचर,
एक तो इन्होंने लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या है, ये एक्सपेंस है, अभी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे इनफैक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सपेंस है ये रहा। अच्छा ये क्या है, अप्रोप्रिएशन क्या है, कह रहा है कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तभी जब बिजनेस को प्रॉफिट हो, ये अप्रोप्रिएशन है। यानी कि अगर मान लो फॉर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, लोन के ऊपर 4,000 देना है, तो कितना बचा, 10,000 में से 4,000 सबसे पहले हटा दीजिए क्योंकि वो देना ही देना है, कितना बच गया 6,000। अब ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा अप्रोप्रिएशंस में। तो एक तरह से सिंपल समझा जाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले देना है, उसके बाद अगर कुछ बच बुचा जाए तो फिर हमें अप्रोप्रिएशन में देना है। फिर आता है रिकॉर्डिंग। अगर देखो इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, जो इसकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो रिकॉर्डिंग होती है P&L अकाउंट में होती है। ध्यान रखिए P&L अकाउंट में भेजेंगे, जो आप 11th क्लास में करते आ रहे हो अच्छे से जानते हो, P&L अकाउंट हम बनाते थे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, अंडरस्टूड। अच्छा और प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और 11th क्लास में हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे क्योंकि वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, यानी कि एक इंडिविजुअल का। यहाँ हम पार्टनरों का बिजनेस पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर उसकी जगह हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है, इसका एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता ये यूजफुल है, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि भाई एग्जांपल क्या, कभी डिफरेंस में एग्जांपल लिखना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है। तो टेस्ट में अगर आता है तो ये 3 पॉइंट हम लिखेंगे, ये फोर्थ वाला समझ लेते हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इनफैक्ट तीसरा छूटा हुआ, तीसरा क्या था, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना, मैनेजर का जो कमीशन था वो रहेगा। अच्छा इसमें क्या है अप्रोप्रिएशन में, एक तो सैलरी, ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व में जो हमने ट्रांसफ़र किया है, तो ये सब हो आगे होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। इसमें देखो हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, यहाँ पे क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसका कैसे, मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, फर्म को उसने लोन दिया है। तो देखो ये कह रहा है कि इफ़, ये कह रहे हैं, ये देखिए, इफ़ द पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट एट एन अग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। देखो जैसे पार्टनरशिप डीड में रिटन होगा उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन हमने आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर रिटन नहीं है, सपोज़ करो पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में मेंशन ही नहीं किया, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इसको इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% मिलेगा। लेकिन हमने प्रिपरेशंस के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखा है तो ना तो उसे सैलरी मिलेगी, ना उसे कमीशन मिलेगा, ठीक है, उसको रिजर्व्स भी नहीं मिलेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए डीड एब्सेंट है तो इसको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से हम सॉल्व करके देंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है किसी पार्टनर ने फॉर्म को, पार्टनर जानते ही हो आप, एक इंडिविजुअल है, और फॉर्म जो है ग्रुप ऑफ पीपल यानी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स यू कैन से। तो इसका नेचर क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसका नेचर है भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एज सिंपल एज दैट, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो इसको देना ही देना है, ओके। तो इसको हमें देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसा है। देखो अक्सर टेस्ट में क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो टफ क्वेश्चनों के अंदर इसको दिया जाता है, मतलब एक तरह से हाइड करके दिया जाएगा क्वेश्चन, आप ध्यान नहीं दोगे तो स्किप हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कभी पूछा नहीं गया बोर्ड में, बट फिर भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे बुक में बहुत अच्छे से समझाया है, आप देख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक क्वेश्चन ना हो इससे रिलेटेड, अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है बट हम इसमें यहाँ सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, हम 11th वाला जो रूल्स है ना वही फॉलो करने जा रहे हैं। हम ये जितनी जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं हम फॉर्म के बिहाफ पे कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म अपनी बुक्स में एंट्री पास करने जा रही है। तो देखिए अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, उसको लोन देना पड़ेगा। तो फॉर्म ने लोन दिया, राइट, तो जो फॉर्म लोन देगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर जो है
दैट इज़ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और रूल क्या कहता है याद ही होगा आपको, रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम इसको डेबिट करने वाले हैं। तो देखो बुक में भी डेबिट किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अ पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर। अब ये टू लोन बाई पार्टनर को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म, क्लियर है, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, तो पार्टनर ने अगर लोन फॉर्म को दे रखा है तो बड़ी सिंपल सी बात है फॉर्म के लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना, ये पैसा फॉर्म को लौटाना पड़ेगा कभी ना कभी, दैट्स वाई इट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ओके, हैंस वी कैन अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एन एक्सपेंस हैंस इट इज डेबिटेड, दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म हैंस इट इज क्रेडिटेड, देयरफॉर द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन बाई द पार्टनर टू लोन बाई पार्टनर। अब देखो एक बड़ा सिंपल रूल है, जब भी आपसे बोला जाता है ना जर्नल एंट्रीज पास करो, तो एक बड़ा सिंपल फिनोमिना है ये, अकाउंट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि जब भी कोई आप जर्नल एंट्री पास करोगे उसे बुक्स में क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि आप यूँ समझ लो, एक बार कोई अकाउंट ओपन हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए वो अकाउंट को क्लोज़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट को क्लोज़ किया गया, जो इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारे लिए वो एक्सपेंस था फॉर्म के लिए, अब इसको कहीं तो भेजना पड़ेगा क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हमारे लिए बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो हमने इसे क्या किया, इसे क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई द पार्टनर। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपको भी पता है इट्स एन एक्सपेंस टू डेबिट ही होना है, सिंपल। और क्योंकि ये डेबिट था तो अब ये आके क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये रिवर्स हो गई एंट्री और ये कैंसिल आउट हो गया। बस तो इसको ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले आप इसमें ये वाली एंट्री के अंदर आप पहले प्रिंसिपल्स लगा दीजिए, और इसको क्लोज करने के लिए कौन से अकाउंट में जाएगा पता ही है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं पीएनएल अकाउंट में ही जाते हैं, और जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। अब आगे जाते हैं, ये देखिए कह रहा है कि इन दोनों में ना डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। राइटर ने यहाँ पे लिखा है कि लोन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक तो ये है कि अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पढ़ें, जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तो लोन इसमें लिख रहा है कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाई अ पार्टनर इज रिपेबल ऑन डिसोल्यूशन बिफोर। देखिए अब ये हम आगे एक डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप है उसमें पढ़ेंगे कि जब भी पार्टनरशिप क्लोज होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले बाहर के जो लोग हैं, समझ रहे ना, बाहर के लोग यानी कि जिन्होंने बाहर के जो आउटसाइडर पार्टी हैं, पहले उनका पैसा पे किया जाता है बिजनेस के द्वारा। ध्यान रखना बिजनेस डिसॉल्व हो रही है, क्लोज हो रही है। अब क्लोज होने के कई रीज़न हैं, हम उस टॉपिक में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। क्लोज होने के कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो सकता है दो पार्टनर हो, एक की सडन डेथ हो गई हो, तो आपको पता है रूल तो यही कहता है कि कम से कम दो पार्टनर होना चाहिए, 11th में हमने पढ़ा था। अब जैसे ही दो पार्टनर से कम हुए बिजनेस अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे सिचुएशन में बाहर की पार्टी को पहले पैसा दिया जाता है, फिर अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको सेकेंड नंबर पर पेमेंट किया जाता है, और अगर उसके बाद बच जाए तो जाके हम पार्टनर का जो कैपिटल है उसको पे करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है बेसिकली कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर का है तो पहले वो दिया जाएगा और फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर बचता है तो, और कैपिटल दिया जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा, कई बच्चे ये भी दिमाग में आता है कि सर बात तो एक ही है, पार्टनर को ही तो मिलना है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, बट देखो अकाउंट्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सिंपल। तो इसमें रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा है, सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन अ लोन एडवांस वेयर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, आपको 6% पर एनम देना ही पड़ेगा अगर डीड में रिटर्न नहीं है। और अगर मान लो डीड में 10% है, 12% है, तो आपको 12% देना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपको हर हालत में देना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, इसमें तीन पार्टनर हैं, अमित, बिमल और चमन, ये तीन पार्टनर हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए इनकी इक्वली है। ठीक है ना, इक्वली यानी कि अगर नहीं दिया होता तो इक्वली होती है, इन्होंने सीधा ही बता ही दिया कि इक्वली है। कह रहा है अमित और चमन ने लोन दिया था। अब कभी भी जब लोन दिया तो कब दिया है, डेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये है 1 अक्टूबर 2019 में लोन दे रहे हैं, कितना, एक ने 1 लाख दिया और दूसरे ने 1,50,000 दिया, यानी कि अमित ने 1 लाख दिया है और चमन ने जो है 1,50,000 दिया है।
अब इट इज़ अग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी एट द रेट, अब देखो इंटरेस्ट जो रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन वो 9% पर एनम रहेगा, ये डीड में एक तरह से दे रखा है। और अच्छा बिजनेस कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को बेटा बिजनेस क्लोज हो रही है, राइट। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च, अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, अब ये कह रहा है पास द जर्नल एंट्री, आपको एक जर्नल एंट्री पास करना है और लोन अकाउंट भी बनाना है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा है दोनों पार्टीज़ का। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ बोथ अमित एंड चमन, ठीक है। तो ये देखिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित एंड चमन, इसको ऊपर कर लेते हैं ये रहा, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा वैल्यू डेट वगैरह, आ जाते हैं ऊपर। ये देखिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित एंड चमन, तो ये रहा। अब देखो सबसे पहले तो ये है कि 1 अक्टूबर को हम एंट्री पास करने जा रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है जर्नल एंट्री के लिए डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट ये सब हम करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, हमें पैसा मिला, अब चेक के थ्रू मिला है या कैश के थ्रू वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन एब्सेंट है आप बैंक भी लिख सकते हो, नॉर्मली आजकल बैंक ही लिखते हैं क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है बिजनेस में चेक और बैंक के थ्रू ही होता है ट्रांजेक्शन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित एंड टू लोन बाई चमन, देखो यहाँ पर भी रूल फॉलो करते हैं, पैसा आया डेबिट हो गया क्योंकि पैसा बैंक जो है एसेट है और रूल तो यही कहता है कि एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब लोन जो है अमित से और चमन से दोनों से मिला, देखो फॉर्म के लिए ध्यान देना, फॉर्म के लिए तो लाइबिलिटी है, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म, तो इसीलिए ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये क्रेडिट होती हैं। तो कितना मिला था, 1 लाख और 1,50,000, तो एंट्री बिल्कुल साफ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित टू लोन बाई चमन, ये हो गया। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, अब देखो हम 31 मार्च को इंटरेस्ट देने की तैयारी है, अब फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, याद है ना 9% पर एनम बोला हुआ था, तो 9%, अब देखिए कितना दिया है हम, सबसे पहले अमित ने कितना दिया, 1 लाख, अब इसकी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, फॉर्म के लिए खर्च है डेबिट हो गया। अब लोन हम टू लोन बाई अमित और टू लोन बाई चमन, अब इसमें हम इसके जो इंटरेस्ट है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 लाख है और 9% के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 9% के हिसाब से हो गया 9,000, लेकिन इसने कब स्टार्ट किया था आपको याद होगा, अक्टूबर में किया था, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना हुआ, 6 मंथ्स, तो हमने क्या किया 6 मंथ्स में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आपका जो आंसर आया 4,500 आ गया। इसी तरह से 1,50,000 का जब निकालोगे 9% तो 13,500 आ जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे 6% मतलब 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा ये निकल के आ जाएगा, अंडरस्टूड, ये वाला देखिए आप करके देख सकते हो, यहाँ पे 1,50,000 इंटू 9%, ठीक है ये हो गया, इंटू 6/12, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, जैसे कि रूल कहता है लास्ट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे यानी कि क्लोज करेंगे एक तरह से, तो इसको हम कौन से अकाउंट में भेजेंगे, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको भेज देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, जो ये आप देख रहे हो ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो हमने ओपन किया, इसको हम क्लोज कर देंगे एक तरह से, ये लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सेंड कर दिया, तो ये एंट्री हमारी हो गई। अब हमें लोन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, इसलिए हम देख लेते हैं लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए लोन बाई अमित, पहले तो अमित का ही लोन अकाउंट बना लेते हैं, आपको याद ही होगा अमित जो है पैसे लेके आया था 1 अक्टूबर को, कितना लाया था 1 लाख, अच्छा आपको पता है इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट दे देते हैं, इसकी कैलकुलेशन हमने अभी सीखा ही था, वही 1 लाख इंटू 9% इंटू 6/12 कितना आया था 4,500, पीछे देख सकते हो 4,500 आया था, तो ये हो गया टोटल किया क्लोज कर दिया, हमें पता है बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, क्लोज किया और आपको पता ही है 11th में सीखा हुआ आपने बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह से हम लोग चमन का भी अकाउंट बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे बना रहा हुआ है चमन लोन बाई चमन अकाउंट, सेम वही तरीका है, बाई बैंक कितना लाया था 1,50,000, अब आप ये देखिए इसके 1,50,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, 1,50,000 का 9% है ना, ये देखिए यहाँ पे जगह कम है, और 6 मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जैसे ही आप 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे 6,750 आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं, ये देखिए ये टोटल किया तो हमारा आंसर इतना आ रहा है, ये एक मिनट, ये रहा 1,56,000 आ गया, 1,56,750 ये आ गया, इसको हमने कैरेट डाउन यहाँ पे कर दिया, ठीक है ये आपके लिए आ गया देखो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है टेस्ट में, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ध्यान रखिएगा।
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते रहे हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन ध्यान समझो पहले। कह रहा है अखिल भारत, भारत नहीं भरत कहेंगे क्योंकि देश के नाम पे किसी का नाम नहीं बोल सकते हम, पता ही आप। तो अखिल एंड भरत ये दो पार्टनर्स थे 2:3, और इनका कैपिटल कितना था? अखिल का 2 लाख था और भरत का 1 लाख था। अब देखिए, वन ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल एंड भरत गिव लोन, इन दोनों ने लोन दिया। कितना कितना लोन दिया देखो, अखिल ने दिया है कितना? 4 लाख। भरत ने दिया है कितना? 2 लाख। डेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 1 अक्टूबर को दे रहे हैं, क्लियरली ध्यान में दिमाग में बिठा ली से। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्लियरली बोला है एग्रीमेंट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको याद ही होगा रूल क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड क्या कहता है। चलिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ जी, मोस्टली बच्चों को पता ही है क्या होगा, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिया नहीं है, अब ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही पड़ेगा, भले ही बुक में दे या ना दे, इसीलिए इसने दिया नहीं है कंफ्यूज करने के लिए कुछ बच्चों को। तो ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि 31 मार्च को क्लोज हो रही है बुक्स, ठीक है ये रहा। अब देखो इसमें 3 केसेस हैं, यानी कि एक तरह से एक ही क्वेश्चन में तीनों सिचुएशन डाल दी इसने। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। कह रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्ट फॉर द ईयर वॉज 25,000। जो भी प्रॉफिट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना, उसको पहले हटाने के बाद प्रॉफिट को रखा जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो ये कह रहा है कि उसको चार्ज करने से, कह रहा है कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000 है, तो 25,000 का प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर। अब इसको हम ये बोल रहे हैं कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो देखिए हम पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब क्योंकि इसमें एग्रीमेंट नहीं है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि भाई इसमें एग्रीमेंट तो है नहीं, तो कितने रेट पे मिलेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1932 एक्ट में लिखा हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला अखिल का कितना लोन था? 4 लाख। रेट क्या था बेटा? 6% पर एनम। कितने मंथ के लिए था? याद होगा आपको अक्टूबर में लाया था वो लोन, तो 6 मंथ्स के लिए हो गया, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स यूज़ हुए। तो कितना इंटरेस्ट आ गया ये देखो, सॉल्व करके दिया 12,000। इसी तरह से हमने भरत का भी सॉल्व किया, 6,000 आया। दोनों का मिला के इंटरेस्ट कितना निकला? 18,000। बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? 25,000। दोनों का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000। हमने क्या किया? माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आया? 7,000। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 7,000। बेसिकली हम ये बोलेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, यूँ लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जो था दैट वाज 25,000, लेकिन इन चार्ज ऑन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आया वो दोनों का निकल के, एक का 12,000 आया, एक का 6,000 आया, दैट मीन्स 15,000 माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल। अब केस 2 पे आते हैं। देखिए केस 2 क्या कह रहे हैं, केस 2 ये रहा, केस 2 में आ जाओ। ये कह रहा है कि देखो केस 2 यहाँ पे देख लो एक बार, ये रहा ये रहा ये रहा केस 2, इसमें कितना था? कह रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वॉज 15,000, तो 15,000 है प्रॉफिट। अब देखो केस 2 यहाँ सॉल्व किया हुआ, सेम वही। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाल दिया, उसको बार बार नहीं निकालेंगे। एक बार एक का आया था 12,000, एक का आया था 6,000, कुल मिला के 18,000 आया था। तो लेकिन इस बार प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 15,000 है। ये देखिए यहाँ पे एक बार 15,000 है, तो 15,000 में से 18,000 जैसे ही हम माइनस करेंगे 3,000 निकल के आ जाएगा, लॉस हो गया ना ये। अब कई बच्चों को ये लगेगा सर क्यों देंगे, 15,000 ही प्रॉफिट है तो लॉस होने दो, हम तो सिर्फ 15,000 ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमने पीछे पढ़ा है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम इसको दे नहीं सकते, यानी कि इनफैक्ट इसको हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म चाहे या ना चाहे, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हर हालत में इसको पे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रॉफिट वी हैव सफर्ड अ लॉस, बट इवन देन बिजनेस हैव टू पे इट। तो बिजनेस को 3,000 का लॉस हो गया, पार्टनरों को आपस में भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, आपने शुरू में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस में जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आपस में, तो आप ये ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही है, लॉस आएगा तब भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो 3,000 का आप लॉस देख रहे हैं ये वाला, ये पार्टनरों को आपस में बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी बेटा?
1:1, तो 1:1 अगर होगी तो 1:1 में 1,500 1,500 बांट देंगे। अच्छा, अगर कोई रेशियो दूसरी है तो उसी रेशियो में हम दे देंगे। फिलहाल तो यहाँ ये बोल रहा है कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आंसर है 3,000। केस नंबर थ्री में देखो यहाँ पे आ जाता है, ये कह रहा है कि इफ़ द लॉस, इस बार क्या बोला है इसने कि लॉस ही हो गया, सीधा बोल रहा है लॉस हो गया। ये देखो ये कह रहा है इस बार लॉस है, ध्यान देना, ये कह रहा है लॉस है कितने का, 25,000 का। तो रूल तो यही कहता है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें देना ही पड़ेगा बेसक कुछ भी। तो अभी हम क्या करेंगे, केस नंबर थ्री में 25,000 का आप देखो लॉस है यहाँ पे, और क्योंकि हमारा 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आएगा, हमने सॉल्व किया हुआ है, तो जब हम माइनस करेंगे, अब देखो पहले ही 25,000 का लॉस चल रहा था, ऊपर से 18,000 का और लॉस हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, 43,000 का लॉस हो गया। तो सिंपल है, 43,000 का लॉस हो जाएगा, पार्टनरों में आपस में बट जाएगा। एक काम और करते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी। ये देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:3 थी। अगर बुक वाला बोलता कि इनको कितना कितना मिलेगा, तो जो लॉस आया है ना, उस लॉस को 2:3 की रेशियो में हम बांटते थे। फिलहाल अभी पूछा नहीं है आपसे, खाली यही पूछा गया है कि भाई कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमने बड़े आराम से ये बता दिया कि 43,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो कि इसको बोलता है कि भाई इसको दोनों में बांटो, ठीक है ना, तो हम क्या करते, 43,000 का जो लॉस आया है इसको कौन सी रेशियो थी, 2:3, यानी कि 2/5 हो गया। 2:3 का मतलब है 2 + 2/2 + 3, यानी कि 5। तो इसको जो भी आएगा सॉल्व करके हम उसको दे देंगे, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं है तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोड़ देते हैं, बस यही था इसमें। अब आ जाता है नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। देखो ये चीज़ें हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले की है, इसको और अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे, एक बार समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो क्या सिचुएशन होती है, हमें पता है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बड़ा सिंपल है, इसको लॉस माना जाएगा और हर हालत में देना ही पड़ेगा। यही ये बता भी रहा है, कह रहा है कि द फर्म हैज़ गिवन अ लोन टू, इफ़ अ फर्म, द फर्म मे गिव लोन टू अ पार्टनर, इट विल बी अ चार्ज ऑन द लोन गिवन एट द रेट अग्रीड अमंग द पार्टनर्स। अगर मान लो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, देखो यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी अलग है, एक बार फिर से देखो इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दिया है, ठीक है, वहाँ जो हमने पढ़ा था पार्टनर ने फर्म को दिया था, यहाँ उसका ठीक उल्टा है। इस बार क्या हो रहा है, फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जब पार्टनर फर्म को देगा तब तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जब फर्म पार्टनर को देगी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए लोन के तौर पे और डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। और अगर डीड में कुछ लिखा हुआ है तो सिंपल है, अगर मान लो जैसे फर्म ने किसी पार्टनर को 1,00,000 रुपीज़ लोन दिया और बोला कि हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो जितने दिन भी वो लोन का इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मान लो कि डीड में ये बात मेंशन ही नहीं करी तो उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पार्टनर ने फॉर्म को दिया है तो आपको याद होगा रूल ये कहता है कि 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज लगेगा, वही चीज़ बेसिकली ये बता रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको बता दिया, ठीक है, आ जाते हैं आगे, अब हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो, देखो ये वाला चीज़, अब देखो जो कह रहा है इफ़ द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अ लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो जैसे मान लीजिए किसी फर्म को, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो होगा क्या, उस पार्टनर जो जो बिजनेस है उसके लिए तो ये इनकम हो गई, तो इसीलिए बिजनेस क्या करेगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको भेजेगी क्रेडिट साइड में। आपको याद होगा 11th क्लास में जब भी इनकम होती थी फॉर्म को तो क्या होता था, क्रेडिट साइड में भेजते थे, तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और पार्टनर के लिए क्या है ये सोच के देखो, मान लो आप पार्टनर हो, आपको फॉर्म ने पैसे दिए, तो आपके लिए तो नुकसान है ना, ये आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपके कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड में जाएगा, यानी कि एक तरह से आपके कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जाएगा, तो इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम जब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल में है, यहाँ पे तो बहुत ही उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो वहाँ हम डिटेल में करेंगे ये बात। अब जर्नल एंट्री देखिए जरा, जर्नल एंट्री में रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, देखो रूल में देखो, रूल के हिसाब से करेंगे इसको।
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो पार्टनर के लिए तो फॉर्म के लिए क्या है, फ़ायदा है। और जो पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा था वो कैपिटल फॉर्म के लिए लाइबिलिटी थी, तो क्योंकि फॉर्म के लिए लाइबिलिटी थी तो वो लाइबिलिटी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर को ये पैसा देना है, उसी से तो लेंगे वापस हम। तो इसीलिए देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, सी दिस इज अ इनकम फॉर द फॉर्म, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, बड़ा सिंपल है। और क्योंकि जो पार्टनर ने कैपिटल दिया था वो बिजनेस के लिए जो है लाइबिलिटी थी, अब वो पैसा पार्टनर से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो लाइबिलिटी थोड़ी सी हमारी कम हुई है, तो इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। और वैसे ही हमने इसे ट्रांसफ़र करना होता है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L अकाउंट में। क्या है हमारे लिए, इनकम है हमारे लिए सर, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसे डेबिट किया है। तो आप समझ सकते हो इसको, अगर आप रफ में करके देखना, प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ भेजोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इनकम मान रहे हो आप, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपके लिए इनकम है, दिस इज़ इनकम फॉर यू, अंडरस्टूड। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, ये है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। देखो रेंट पेड क्या है, हमने पीछे तीन चीज़ें पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फॉर्म, दूसरा था रेंट। रेंट जो होता क्या है कि कई बार पार्टनर फॉर्म को अपना घर या ऑफिस दे देता है कि चलो यहीं पे आप लोग रह के काम कर लो, तो उसके बदले वो रेंट लेता है, तो पार्टनर के लिए तो फ़ायदा है और फॉर्म के लिए नुकसान है। और इसको हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है कि हर हालत में फॉर्म को पे करना पड़ेगा, अगर बिजनेस में लॉस होगा ना तब भी फॉर्म को पे करना ही पड़ेगा। तो ये वैसे ही है जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, वैसे ही ये भी है एक तरह से, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बिल्कुल वही रूल्स लागू होंगे। कह रहा है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीछे हमने पढ़ लिया है, एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन। इसको कभी गलती से भी अप्रोप्रिएशन मत मानिएगा, क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है कि सर बिजनेस को तो लॉस हो गया या बिजनेस के पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं तो रेंट नहीं देंगे हम, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया। अगर किसी पार्टनर ने अगर रेंट के लिए दे रखा है फॉर्म को, तो वो आप ये समझ लीजिए फॉर्म को हर हालत में उसके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज़ पेबल टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फॉर्म यूज पर्सनल, उसने अपना जो घर है वो या ऑफिस है वो दे रखा है फॉर्म को यूज़ करने के लिए, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि रेंट उसने फॉर्म कई बार क्या करती है, रेंट 10 महीने का दे दिया, 8 महीने का दे दिया और बाकी जो है उधार रख दिया, पेबल हो गया, तो ये इसकी एंट्री हम पास कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यही एंट्री, अब ये बुक वाला बोल रहा है कि आपको इसकी एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, सिंपल है। देखो इसकी एंट्री क्या है, सबसे पहले अगर मान लो रेंट इज़, देखो यहाँ पे रेंट इज़ पेड इन कैश और बाई चेक, अगर रेंट को हम पैसे में या चेक के थ्रू देते हैं तो एंट्री क्या होगी, रेंट हमारे लिए खर्चा है तो ये क्या होगा, डेबिट, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। और हमारा कैश जाएगा या चेक जाएगा, यानी कि बैंक, तो आपको पता ही है 11th वाला रूल, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन क्या है, रेंट पेड इन कैश और चेक। अब मान लेते हैं कि पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा बहुत उधार बचा हुआ है, तो इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, आपको याद ही होगा रेंट इज़ एन एक्सपेंस और जो थोड़ा बहुत बच गया है वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो ये हो जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा इसको क्लोज करना पड़ता है, तो अब हम क्लोज करने जा रहे हैं, ये जो रेंट आपने दिया ये प्लस ये जो देना बाकी है, ये देखिए यहाँ पे भी था ना रेंट, देना बाकी है, दोनों मिला के हमने पे करना है, तो कहाँ पे जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लो कि हमने 20,000 चेक के थ्रू दिया और 10,000 बाद में देना है, तो 20,000 हमने दे दिया और 10,000 हमारा उधार है, तो हमारे को देना कितना पड़ेगा, 30,000, तो यहाँ पे हम 30,000 से इसको दिखाएंगे ये एंट्री, ठीक है। ये बस अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो क्वेश्चन ध्यान से एक बार में, कह रहा है अमृत और बिमल दो पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, आपस में ये इक्वली बांट रहे हैं, हुआ क्या कि बिमल जो है सेकेंड वाला पार्टनर हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट, इसने क्या उधार दे रखा था, उधार नहीं रेंट पे दे रखा था फॉर्म को 1 अप्रैल, और मंथली रेंट कितना है ये वाला देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, 5,000 है मंथली रेंट, ये रहा देखिए 5,000 मंथली रेंट है, ठीक है। फॉर्म पेड हिम रेंट ऑन 1st अप्रैल 2019 टू फेब्रवरी 2020,
अब इसने क्या किया, 11 मंथ, आप मंथ गिन के देखो, 2019 अप्रैल से देना शुरू किया, अप्रैल में जून जुलाई करते 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 फरवरी तक पहुंच गए, लेकिन देना तो मार्च तक था। तो इसने एक तरह से देखा जाए तो 1 मंथ का उसने जो है रेंट नहीं दिया है, तो वो उसे देना पड़ेगा। तो इसने ये सब दिया, अब ये कह रहा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज स्टिल पेएबल, मार्च के लिए अभी तक पेएबल है। तो एक तरह से इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो 11 मंथ का रेंट दे चुके हैं, जो कि हर महीने कितना था, 5,000, यानी कि 55,000 दिया होगा, और 1 मंथ का जो 5,000 रह गया है वो अभी देना बाकी है। तो कह रहा है कि इसको जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो अभी हमने पढ़ा, एंट्री हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले रेंट कितना दिया चेक के थ्रू, याद ही होगा 11 मंथ का दिया है, अप्रैल से लेके और फेब तक का दिया है, तो 11 मंथ हो गया, तो 5,000 इंटू, क्योंकि हर महीने 5,000 था रेंट, 11 मंथ ये रहा, तो 55,000 हो गया। अब बच कितना गया था 1 मंथ का, तो 5,000 इंटू 1 मंथ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेबल लिख लो 5,000। अब कैसे हमने डिस्कस किया था, ये दोनों रेंट जो है 55,000 प्लस 5,000, ये दोनों जो है मिला के कितना बना बेटा, 55 प्लस 5, 60,000। तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट। देखो यहाँ पे रेंट जो है हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, हमें लॉस हुआ है, और रेंट जो है हमने रेंट के फॉर्म में ये हमें देना पड़ेगा, इट्स अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, यानी कि फॉर्म, तो हमने इसे पे कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आ जाता है, होपफुली आ गया होगा आपको, एक बार इसको और अच्छे से देखिएगा। लास्ट टॉपिक है आज का, मैनेजर्स कमीशन। देखो मैनेजर कमीशन, आपने हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या पहला हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फॉर्म, दूसरा हमने पढ़ा रेंट, रेंट अगर किसी पार्टनर ने अपना ऑफिस ऑफिस दे दिया, जो अभी हमने सॉल्व किया, और तीसरा है मैनेजर का कमीशन। कई बार क्या होता है, मैनेजर एम्प्लॉई होता है, बिजनेस में काम कर रहा होता है, और उसको जो हमें कमीशन देना होता है वो एक तरह से सैलरी है, यूँ कह सकते हैं, तो वो उसको हमें देना पड़ेगा। तो इसे भी, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि मैनेजर आपने रख रखा है और बिजनेस में क्या हुआ लॉस हो रहा है, आप मैनेजर को बार बार बोल रहे हो भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है, अब रुका रहे तो कब तक रुकेगा वो, लास्ट में आप बिजनेस डिसॉल्व करके चले जाओगे झोला उठा के अपना, और वो टेंशन में रहेगा। तो इसीलिए इसमें रूल बनाया गया कि पार्टनरशिप डीड में ये साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने मैनेजर रखा हुआ है तो आपको उसको कमीशन जो दिया जाएगा वो आपको हर हालत में देना, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसी तरह से अगर किसी ने अपना रेंट दे रखा है, ऑफिस दे रखा है रहने के लिए, तब भी आपको उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तो फिर ऐसे ही सारे पार्टनर मिल के रोना शुरू करेंगे उसके आगे बैठ के कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तू अगले महीने ले लेना, अगले महीने, ऐसे करते करते तो बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी प्रोविज़न रखा है कि अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो उसको हर हालत में इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वही चीज़ है कि मैनेज, अब ये कह रहा है कि मैनेजर एक एम्प्लॉई है, ये सब वही कहानी बता रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको हर हालत में आपको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली दिखाना पड़ेगा। देखो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, और चाहे ये मैनेजर कमीशन है, कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में, बड़ा सिंपल है। तो यही आज का टॉपिक है, ये सब आप इसको अच्छे से एक बार समझ जाएंगे। अब इस ये एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको नोटबुक में कर लेना है, और हो सकता है कि मैं कुछ सेलेक्टिव बच्चों से इसकी फ़ोटो मंगाऊँ। ठीक है, और इतना ना करके मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा अच्छे से करिए अपने आप पे। ठीक है, कल हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, आप होपफुली आप इसको पूरा पढ़िएगा।